And the last point आपका voice. Voice की last class है. भाई 15-20 मिनट का voice है, काम करवा देता हूँ. आपने केवल टीचर जब आंसर पूछे ना आंसर का जवाब ठीक है, एक्स्ट्रा बातें करोगे रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो, तो कुछ बोलता होगा रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो, तो मना नहीं कर पाओगे. वॉइस का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा, कि वॉइस आपका वर्ब का एक पार्ट था, वर्ब के दो टुकड़े करने होते हैं, कितने टुकड़े करने होते हैं, टू बी की फॉर्म प्लस में पर पिछली दो क्लास में दो बार बता दिया आपको, इस क्लास में बता देता हूँ कि ये आपका एक्टिव वर्ब है और एक्टिव वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी. क्लियर में बात समझ में आई कुछ? एक्टिव टू पैसिव ले जाने के लिए आपको ये काम है करना पड़ेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही इसके दो टुकड़े बताओ जल्दी से. क्या बताए थे? इज हमारे प्लस थर्ड फॉर्म. बात फिर कहां से आ गया? इज हमारे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या बी प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के दो टुकड़े होते हैं. वॉज वर्ब प्लस वर्ब की इस सेकंड फॉर्म एक्टिव वर्ब है और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है इसका पैसिव है. थर्ड फॉर्म के दो टुकड़े बताओ. बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आई एच ई बनेंगे. ये चार ही तरह की आपकी वर्ब होती है. बी प्लस वर्ब की ये चार ही टाइप की वर्ब होती है. वो इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना, एक तो आपको वर्ब के दो टुकड़े करने और एक उस वर्ब का एक्चुअल सब्जेक्ट चेंज कर. अरे बस समझ में दो ही बातें बताई थी ना आपको. वर्ब का सब्जेक्ट चेंज इसलिए करना है क्योंकि एक्टिव वर्ब के साथ आपका जो सब्जेक्ट यूज होता है वो आपका टू यूज होता है, वर्ब का कर्ता यूज होता है काम करने का है. और पैसिव के साथ है, पैसिव वर्ब के साथ है आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर यूज होता है. नॉन डूअर डूअर नहीं होता. तो जब आप एक्टिव को पैसिव वर्ब ले लिया आपने भी क्या करते थे, सब्जेक्ट को चेंज करते. क्लियर पॉइंट? बात समझ में आया कुछ? उसके बाद आपको ये वर्ब के दो टुकड़े याद रखने. ये है पूरा प्रोसेस. अब तक जो भी पॉइंट करवाए हैं ये पे करवाए. लिंकिंग वर्ब के बारे में करवाया पिछली क्लास में. क्या होती है लिंकिंग वर्ब? जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करके लिंक कर. अरे बस समझ में आज हमने एक जो स्ट्रक्चर है दिया वो स्ट्रक्चर दे. जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखी, इट इज टाइम टू टेक ट्रिप. इस टाइप के स्ट्रक्चर का कई बार क्वेश्चन आता है, इट इज टाइम टू टेक ए ट्रिप. आई वाज सॉरी, एक स्टेटमेंट है, देयर आर सम डाउट्स टू रिजॉल्व. क्लियर पॉइंट? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. कैसे क्वेश्चन आते हैं? देयर आर सम डाउट्स टू डिस्कस और इट इज टाइम टू टेक. ये जो टाइप है आपकी स्ट्रक्चर की वो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. आज जो पॉइंट समझना है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता ही है. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? अगला सवाल है, क्या होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है पता है किसी को? हमें पीछे एक बार देखो पॉइंट क्या हो. मैंने कहा एक राजा था, जल्दी से ना इस स्टेटमेंट की इंग्लिश बताओ. आसान एक बार बताओ मेरे को भाई,
यहां पर अब किंग राजा की जगह पे लिखा गया, और था का मतलब मैं लगा लेता हूँ, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब केवल एक ही नाउन यूज की गई है, केवल एक ही नाउन, और एक नाउन विदाउट मेन वर्ब आपका स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, समझे बात है, ऐसे थोड़ी बना दी है आती बॉस एक राजा था बस बनेगा, थोड़ी यूज करेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की कमी है, अगर सब्जेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ना इससे बार बात अगर कौन सी फॉर्म है, टू बी की फॉर्म, टू बी की फॉर्म के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या फिर कोई वर्ब, इन दोनों चीजों में से एक चीज होनी कंपल्सरी है, जरूरी है, अरे बस समझ में, मतलब टू बी की फॉर्म एंड में कभी नहीं आती, टू बी की फॉर्म अकेले नहीं आती, टू बी की फॉर्म या तो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था ना आपको, या तो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव एज अ कॉम्प्लीमेंट लेंगी, या इनके बाद वर्ब आएगी, क्या ये वर्ब एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे डजंट मैटर, लेकिन आएगी वर्ब, इन दोनों में से एक चीज तो पक्का नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं, वॉज के बाद क्या लगा देते हैं, अब किंग को मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया, क्या बना दिया, लेकिन अब सब्जेक्ट की जगह खाली रहेगी कि नहीं, सब्जेक्ट की जगह खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए आप यूज करेंगे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, क्या यूज करेंगे, जिससे आप एक स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट होते हैं आपके इट, देयर, या तीन वर्ड ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसके लिए, बाकी सब के लिए क्या यूज होता है, एयर या एयर यूज होता है, समझ में क्लियर में, तो पॉइंट ये है किसी स्टेटमेंट में आपका सिंगल नाउन दे, अरे बस समझ में, उससे भी स्टेटमेंट बन सकती है, लेकिन टू बी की फॉर्म के बाद आपको या तो कॉम्प्लीमेंट या वर्ब चाहिए थी, आप टू बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब काम नहीं कर सकते, दो ही काम करते, या तो इसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट आता तो ये क्या होती है, क्या बनती है भाई, लास्ट क्लास में करवाया था लिंकिंग वर्ब, अगर इसके बाद वर्ब आती है तो ये किस चीज का काम करती है, मेन वर्ब का नहीं, मेन वर्ब का काम नहीं करता, और एक स्टेटमेंट में मेन वर्ब होना जरूरी, अरे बस समझ में, अब एक्टिंग वर्ब मान लो या लिंकिंग वर्ब मान लो, ये आपको बताएंगे इसके बाद क्या चीज, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप ये तो आई नहीं, या तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट दो या इसको वर्ब, एक चीज तो पक्का होनी चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि वॉज के बाद अब तीन जो स्टेटमेंट में दे रखा है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, और इसके सब्जेक्ट के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या भी क्या यूज हो जाएगा, आता ही समझ, क्या यूज हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए बताओ नहीं, क्लियर मैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की स्टेटमेंट में जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है, जहां पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, किसी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, वहां पर हम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, अगर आपको पहचान करनी है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तो मैं बता देता हूँ, किसी भी स्टेटमेंट में इट, देयर या हियर प्लस में टू बी की फॉर्म प्लस में नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव मिल जाए, समझ लेना ये 101% क्या है आपके इंट्रोडक्टरी से, मतलब इट के बाद देयर के बाद या हेयर के बाद टू बी फॉर्म आती है, टू बी फॉर्म कौन सी होती है, बस यहाँ पे यही होती है,
इस्तेमाल हो रहे वर्ड्स में। ऐसे कई बार बता चुका हूँ, बी की फॉर्म बोले बी का मतलब बोले टू बी की फॉर्म बोले, कई बार बता चुका हूँ ये मैं भाई। बी की फॉर्म बोले कोई आपसे पूछ ले बी क्या होता है, तो आप उसका हिंदी वर्जन मत बताओ बी का मतलब उल्टा होता है, गलत बात। बी का मतलब है जी इससे बार लास्ट वर्ड्स। टू बी का मतलब क्या होता है, इससे बार लास्ट वर्ड्स। टू बी की फॉर्म क्या होती है, इससे बार लास्ट। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी टीचर आपसे पूछ सकते हैं बी का मतलब बताओ जल्दी, अगर बी लिखा हुआ है कहीं पर तो आप क्या सोचोगे, आपको क्या सोचना है वापिस इससे बार लास्ट पर, समझे ना। इवन वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, दो ही तरीके का काम करते हैं। के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज होना चाहिए, तभी एक प्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। क्लियर पॉइंट। अब जो स्टेटमेंट लिखी थी मैंने, देयर वाज अ इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना ये मीनिंग रहता है स्टेटमेंट में, का मतलब नहीं आता है। ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं ये मीनिंगलेस होते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। सीधा सा अल्टीमेटली आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, अब कई बार डाउट होता है देयर के साथ वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, किसे लगाऊं कि आर लगाऊं, तो डिपेंड किस पे करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर टू किंग्स होते तो आप देयर के अकॉर्डिंग नहीं, टू किंग्स के अकॉर्डिंग क्या लगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होता है ना वो केवल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, स्टार्ट करता है और कुछ मीनिंगलेस होता है, इससे ही आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर में पहचान जाओगे, पहचान लोगे आप तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है पता चल गया आपको, अब स्टेटमेंट आपके उसको दे। अब देखो इस बार आ गया और बाद में ना हो गया, क्या आ गया और इट आ गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ध्यान रखो इस चीज को, क्या करना है आपको। इट इज टाइम और देयर आर सम डाउट्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में है क्या नहीं बताओ, क्लियर भाई। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में आपका अल्टीमेट सब्जेक्ट तो देयर आर सम डाउट्स में क्या है, सम डाउट्स और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं करें, इनको सेम टू सेम लिख तो रखें, क्या रखें, इट इज इन टाइम का सेम टू सेम रखें, देयर आर सम डाउट्स, पर क्या इससे कौन सी बात है, फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े कीजिए, क्या होएगा, या तो होएगा इस एम आर या बी प्लस में, अब इससे बार टू टू के बाद नहीं वो ऑलरेडी आ रहा है, समझे बात, एक टू का टू सेव रहेगा, टू का टू बिल्कुल सेव रहेगा, समझे बात। इसके दो टुकड़े करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म के, वो आप करेंगे बी प्लस ए बी अगर आपको इस तरीके स्टेटमेंट होती है जहां पर बेयर एयर या इट टोपी की फॉर्म प्लस में नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं तो वहां पे वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को आप सेम टू सेम है रिपीट करो, क्लियर में समझ रहे बात। ऐसे यहाँ पर रिपीट कर दिया आपने इंग्लिश टाइम का इंग्लिश टाइम, लेकिन आप यहाँ पे देखो टू एक वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और आपको पता है अगर मैं इसके दो टुकड़े करूंगा तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा नहीं आएगा, भाई टू टेक के मैं दो टुकड़े करूंगा तो क्या होगा आपका टू बी देखकर फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े बी देखकर आएगा कि नहीं आएगा। अब हम पीछे से करते क्या है, ऑब्जेक्ट को जिस वर्ग के दो टुकड़े करेंगे उस वर्ग के ऑब्जेक्ट को हम उस वर्ग से आगे लेके आते हैं, आगे लेके आएंगे। एक स्टेटमेंट एक नाउन दो
दौड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन किस चीज की, और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फिक्स है वो आपकी फिक्स है। स्टेटमेंट क्या बने, देखो इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, उधर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप जिस वर्ग के दो टुकड़े करोगे उससे आगे लेके ही जाना पड़ेगा, वर्ग से आगे लेके जाना, समझ रहे हैं आप, ये लेके फिर फोर्थ के प्रीपोजिशन से जोड़ दिया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को स्टेटमेंट में जोड़ने के लिए केवल है प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, केवल प्रीपोजिशन। बस बात समझ में आएगी नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया कि नहीं, क्लियर पॉइंट, नोट कर रहे हैं, नोट कर लियो बाद में सारे पॉइंट्स का, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आप सब कौन से बता रहे, इट इज टाइम टू गो, एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में करो उसको, इट इज टाइम टू गो, क्वेश्चन है आपके पास, इट इज टाइम टू गो, आंसर करो, अक्षय कुमार अक्षय मदद याद आई तो नहीं पता क्या आगे जिन्होंने बताया सब क्या है आप बताओ आपने किस टाइप का टाइम का इंग्लिश टाइम लिख दिया ना, क्लियर पॉइंट, क्या किया फिर टू बी गोन, आगे गोन को आगे ले गया या पीछे आगे नहीं आएगा सर, क्यों और कहा जाएगा घर चल के नहीं जाए, घर तो वही रहेगा, एक बार ही गोज टू टेंपल, इसका बना नहीं जल्दी बताओ क्या हो गया, हाँ जी बड़ा इसका कैसे साफ साफ बोला था पिछली क्लास में, एक बार बताओ ऑब्जेक्ट कितने टाइम के होते हैं, कितने टाइम के होते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम के होते हैं, दो टाइम के, पहला वर्ब का इंपैक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब का इंपैक्ट जिस नाउन पे नहीं पड़ता है जो अपनी पोजिशन अपने साथ लेता है वो बड़ा ऑब्जेक्ट, क्लियर पॉइंट है, एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ डायरेक्ट जुड़ता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो वर्ब के साथ है डायरेक्ट जुड़ता है, वर्ब का इंपैक्ट पड़ता है, वर्ब का असर पड़ता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्लियर पॉइंट, और एक ऐसा जिसके ऊपर वर्ब का असर है नहीं पड़ता तो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है प्रीपोजिशन के साथ,
जिस पे वर्ब का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस हालात में वर्ब जो है वो इंफिनिटिव वर्ब दिखी नहीं थी, इंट्रांजिटिबल होगी और वर्ब का इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव बने ट्रांजिट वर्ब्स, ट्रांजिट ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांजिटिव ट्रांजिट वर्ब जो बनी है, ट्रांजिट वर्ड जो बना है वो बना है ट्रांजिटिव, बना है ट्रांजिट से। और ट्रांजिट का मतलब क्या है, ट्रांसफर, जिस वर्ब ने अपना इफेक्ट ट्रांसफर कर दिया वो ट्रांजिट। और जो वर्ब अपना इफेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पाए किसी नाउन पे या प्रोनाउन पे वो बन गई इंट्रा, क्लियर। और मैंने आपको क्या बोला था, एक्टिव पैसिव केवल केवल किसके बन, एक्टिव पैसिव केवल केवल किसके बन, तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, पैसिव बनेगा ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा ही नहीं। अब ये तो हो गया, ये तो जी ट्रू प्रीपोजिशन रहेगी, इधर तो प्रीपोजिशन दे ही नहीं रहेगी, दिमाग में आया नहीं, इधर प्रीपोजिशन इधर की ब्रेन का बता प्रीपोजिशन क्यों नहीं इधर की, इधर दिमाग खराब था मेरा, क्यों नहीं देखी बताओ तभी ना, जल्दी बताओ। आप ये कहोगे भाई प्रीपोजिशन के साथ वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो इंट्रांजिटिव कहलाता है, समझ रहे बात, क्लियर पॉइंट है, बोलो। पूरी क्लास करवा दी भाई, चलो कोई नहीं, माइक के बिना ना आवाज साफ नहीं जाती वीडियो में, आपकी भी आती फिर आवाज, और माइक हो ना तो आपकी आवाज नहीं आती, ज्यादा नहीं आती। बताओ बताओ, लास्ट टाइम हाउस और होम बताया था कि नहीं बताया था, क्या डिफरेंस बताए थे, मतलब में नहीं पार्ट ऑफ स्पीच में, हाउस नाउन था और होम एडवर्ब प्लेस थी, और किसी एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन है नहीं आती भाई, और एडवर्ब आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में केवल नाउन या प्रोनाउन आते हैं और कुछ आता ही नहीं है, तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कहाँ से, तो ये वर्ब भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव बनना ही नहीं, बनाते रहो, एक आध बच्चा पक्का है ना फोर होम टू बी गोन करे मिलेगा। हाँ पीछे अमित नहीं किया, क्लियर पॉइंट है, सारे करते तो करते भाई, लेकिन कर भी तो नहीं रहे ना आप, तो बात समझ में आ गई, पक्की बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, एक्टिव पैसिव में बात एक ही ध्यान रखनी है, वर्ब के दो टुकड़े करने हैं, कौन सी के, ट्रांजिटिव के, यानी हर एक कोई भी वर्ब फंसे और कर दिए दो टुकड़े भाई, समझ में आ रही बात है, हर चीज के नहीं होंगे, केवल उस वर्ब के होंगे जो वर्ब अपना इफेक्ट नाउन या प्रोनाउन पे डाल रही है, ट्रांसफर कर रही है, उस वर्ब के इफेक्ट होंगे, समझ में आ रही बात है, क्लियर पॉइंट है। अब एक स्टेटमेंट आई देखो, I am going to switch on the fan. ये स्टेटमेंट आ गया, I am going to switch on the fan. बताओ क्या आएगा, देखें इसमें, I am going to स्विच ऑन द फैन, बोलो
एक सेकंड, क्या दिक्कत है बताओ? और दिक्कत तो मेरे को भी नहीं पता क्या है। स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ भाई, दोबारा लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू, मेरी राइटिंग सही है इससे तो ना, स्विच ऑन द पेन। ये राइटिंग तो लिख ही नहीं रहा मैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं इसे बकवास राइटिंग है मेरी। I am going to switch on the fan. बोलो क्या आएगा? देखो इसमें वर्ब दो हैं, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, क्लियर पॉइंट। अब आपको ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज पे फोकस करना है कि वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर कौन सी का हो रहा है, किस पे हो रहा है? क्या गोइंग वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है कहीं पर? क्या स्विच ऑन वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, किस पे हो रहा है? बस ऐसे स्ट्रक्चर में ध्यान ये रखते हैं, जब एक दो वर्ब ज्यादा आ जाते हैं ना, एक से ज्यादा, तो उस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान एक ही रखना है। क्या ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब का इफेक्ट, यानी कि कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है स्टेटमेंट में। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिस वर्ब का इफेक्ट ट्रांसफर हो किसी नाउन या प्रोनाउन पे। तो हमें फैन के ऊपर इफेक्ट ट्रांसफर हुआ नजर आ रहा है, किसका? अच्छा इसके ऊपर इफेक्ट किसका पड़ रहा है? आएगा। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपनी वर्ब जिसको पैसिव में लेके जाना है, और ये हो गया अपना बाकी फालतू चीजों को पड़े रहने दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दो टुकड़े कीजिए, बी, देखो टू के साथ बी, क्या नहीं इज एम आर ऑलरेडी दे रखे हैं, दोबारा नहीं आते। ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये है टू प्लस वर्ब की इन्फिनिटिव है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े बी स्विच्ड, और द फैन जो है वो कहां जाएगा, बाकी कुछ है, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपने। देखो इज एम आर का, देखो आई के साथ एम आता है तो फैन के साथ इज आता है, बाकी कोई फर्क नहीं है इज एम आर में। गोइंग का और टू का, ओन का फैन हो गया काम, इसका भी काम हो चुका था, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया था। अगर बाई मी लगाना चाहो तो लगा दो, बाकी ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल है, समझ आई बात? क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा द फैन इज गोइंग टू बी स्विच्ड ऑन, यहां तक बनता है, बताओ कोई दिक्कत हो तो। आई एम गोइंग टू ईट फूड, द फूड इज गोइंग टू बी ईटन, समझ रहे हैं बात है, क्लियर पॉइंट। आई एम गोइंग टू कॉल यू, समझ रहे हैं बात है, कॉल हिम, मैं उसको फोन करने जा रहा हूं, तो ही वॉज गोइंग टू बी कॉल्ड। जैसे स्टेटमेंट लिख दें, अगर मान लो मैं कहूं कि आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसको कॉल करने जा रहा था, मैं उसको कॉल करने जा रहा था, तो देखो कॉल हिम और ये आई, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टू कॉल को हमने यूज कर दिया टू बी कॉल्ड, क्या कर दिया टू बी, ही आई की जगह पे आ गया, बाकी सेम टू सेम है, वॉज गोइंग है तो वॉज है गोइंग ही रहेगा, ही वॉज गोइंग टू बी कॉल्ड, उसको कॉल किया जा रहा था, समझ में बात, क्लियर पॉइंट। अगला पॉइंट है आई एम टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस,
आई एम टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस, ये स्ट्रक्चर भी आता पेपर में, समझ रहे बात है। इज एम आर वाज वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है। मत देखो स्ट्रक्चर पे, वही तीन बात, एस्टेब्लिश कौन करने वाला था, आई, क्या करने वाला था, समझ रहे बात है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको पता ही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो टुकड़े, बी एस्टेब्लिश्ड हो गया, टू का तो टू ही रहेगा, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू बिजनेस। बाकी क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है, इज्जमार बचा हुआ है, तो इज्जमार का ये सेम टू सेम आ जाए, पीछे फुल स्टॉप, बाई मी लगाना है आप लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, बताओ कोई दिक्कत, बात आई समझ में, क्लियर पॉइंट। वी हैव टू पे दिस बिल, वी हैव टू पे दिस बिल, या आ गया, क्या बनाओ जल्दी बताओ, कुछ नहीं है भाई, टू पे का टू बी पेड, दिस बिल का वी की जगह पे आ जाएगा, कुछ नहीं बचा, हैजव बचा है तो हैजव का, क्योंकि बिल के लिए क्या आएगा, हैज, बिल के लिए क्या आएगा, हैज आएगा, क्लियर पॉइंट। आज की क्लास में आपका वॉइस के लगभग 90% स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, थोड़े बहुत एग्जाम से रिलेटेड है वो प्रैक्टिस करते टाइम बता देंगे आप, समझ आए बात है। तो तीन क्लासेज आपकी रिकॉर्ड हुई हैं, तीन क्लासेज में ऑलमोस्ट वॉइस हो गया आपका, ऑलमोस्ट, सारा तो नहीं कह रहे लेकिन ऑलमोस्ट हो गया आपका, समझ आए बात है, ठीक है, 90% एग्जाम के लिए हो गया। अब आप एग्जाम में जाओ, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके देखो, 90% आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। अच्छा, उसमें कुछ, ओके, थैंक यू भैया।